नमस्कार, मैं अतुल कश्यप और आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। नेकी कर दरिया में डाली, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज ऐसी ही शख्सियत के बारे में जानने के लिए मीडिया 100 की टीम पहुंची है शाहजहांपुर के ब्लॉक सिंधौली के ग्राम पंचायत गरगैया। अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम कुलदीप है। अगर कुलदीप की बात करें तो जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के लिए बिना किसी सरकारी योजना, बिना किसी स्वार्थ अपनी ग्राम पंचायत में लाखों का विकास कार्य करा डाला। जब हमारी मीडिया 100 की टीम ने पड़ताल की तो वहीं के ग्रामीणों का कहना है कि यह इंसान गरीबों के लिए मसीहा है, जिसने अपनी जेब से ग्राम पंचायत की जनता के लिए लाखों रुपये का फायदा कराया। अगर इसी तरह हर व्यक्ति का मनोबल हो तो कोई इंसान भुखमरी की कगार पर ना जाए। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता शुभम श्रीवास्तव के पास और जानते हैं सारी जानकारी। राधे, आज हम आ पहुंचे हैं शाहजहांपुर के विकासखंड सिंधौली के ग्राम पंचायत गरगैया में। गरगैया में जानते हैं कि अपने मेहनत और अपनी लगन से एक नए व्यक्ति, नए नवयुवक जो कि यहाँ के प्रधान प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने अपनी लगन से, मेहनत से राधे रानी और कृष्ण भगवान दोनों का ही मंदिर बनवाया और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो वाकई तारीफ़ के काबिल हैं। आज हम दिखाएंगे और उनसे रूबरू भी करवाएंगे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कुलदीप वर्मा जी। कुलदीप वर्मा जी ने यहाँ के ग्रामीणों को हैंड पाइप की सुविधा दी। सरकारी कोष नहीं है उनके पास, प्राइवेट ही काम करते हैं, तब भी अपनी मेहनत और लगन, अपनी मेहनत की जो भी कमाई थी उसमें से कुछ हिस्सा अपने ग्रामीणों में, अपनी ग्राम पंचायत में नल लगवाने का विकास कार्य किया है। आज ऐसे व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अगर इस तरीके से हर व्यक्ति ऐसे कार्य करे तो वाकई हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन सकता है। कुलदीप वर्मा जी। जी, सभी पहले तो मैं तो शुभम भाई और उनकी टीम का हार्दिक तौर से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने हमें इसका मौका दिया कि मैं अपने विचारों को जनता के बीच प्रस्तुत कर सकूं। जी, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि मैं जनता के प्रति राजनीति को ना लेकर विकास के दौड़ में आगे आने के लिए ही प्रयत्न कर रहा हूं। कि मैंने यही सोचा है कि यहां पर जितने लोग भी हुए हैं उन्होंने विकास को पीछे में रख करके आगे आगे अपने आप दौड़ते रहे, लेकिन विकास को कभी नहीं ध्यान दिया। यहाँ पर सबसे पहले तो जल की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसकी आपूर्ति के लिए मैंने 7 हैंडपाइपों को लगवाया है। बाकी हमारे गांव में चोरी मकारी, इस तरीके से कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई बेचारे गरीब लोगों के जानवर खोले गए हैं, जिसके ध्यान में हमने विचार किया और हमने हर खंभे पर एक LED बल्ब को टंगवाया, जिससे कि हमारे गांव में जब भी लाइट आती है रात को हमेशा पूरा गांव जगमगाया रहता हुआ। और मैं जनता से यही अपील करूँगा, आप सभी लोग अपने विकास और अपने आप को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सही तरीके से सही व्यक्ति को चुनें और सही विकास की उम्मीद रख कर ही चुनें, ना कि कोई जात बात भेदभाव से राजनीतिक बलों को अपना वोट देकर बाद में हमें पछताना पड़े। इसलिए मैं जनता से यही अपील करूँगा। तो आपने देखा कम उम्र में कितने अच्छे विचार। इस तरीके के अगर हर व्यक्ति हो अपने निजी की कोष से अगर कुछ न कुछ करता रहे गांव में, तो गांव कहीं ना कहीं तक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कुलदीप वर्मा जैसे अगर लोग उत्तर प्रदेश में हो तो वाकई उत्तम प्रदेश बन सकता है। उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, समाज सेवा में लुप्त रहना है। समाज सेवा जैसे कि प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना या उसके दरवाजे पर नल लगवाना। अपनी कमाई के अगर 10% निकाल कर किसी व्यक्ति के उस पर अगर लगवाते हैं तो वाकई हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाता है। अब हमारे सामने इसी गरगैया के ग्राम पंचायत के कुछ व्यक्ति लोग खड़े हैं, हम उनसे जानते हैं उनके दरवाजे पर नल लगा है वो किसके द्वारा लगवाया गया है। कुलदीप के। कुलदीप भैया ये कौन है? वर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गरगैया के। गरगैया। हाँ। तो ये भैया आपका क्या नाम है? हरिपाल। हरिपाल। हाँ। हरिपाल जी कहाँ के आप रहने वाले? गरगैया। अच्छा, गरगैया। ये नल किसके द्वारा लगाया गया है? कुलदीप। जब कुलदीप लगवाओ नल, एक हमारे द्वारा लगवाओ। तो आप परेशानी को, वहाँ पानी बहुत परेशानी, चौराहे बहुत आदमी वहाँ पानी नहीं मिलती, हो रहते हैं पियाते, तब इन्हें लगवाओ परेशानी देख। प्रधान ना होते हुए भी कुलदीप जी का विकास यहाँ देखने लायक है। वाकई हर घर पर हैंड पाइप लगवाने का काम किया है। गरगैया विकासखंड सिंधौली में
इस समय हम मौजूद हों, देखने को ये मिल रहा है कि मेरा सौभाग्य है जो आज हमारे रिपोर्टर मिथुन जी ने अपनी आरडी के द्वारा यहाँ की जनता से मालूमात करने का मौका दिया। इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने छोटे भाई के। और जानते हैं कुलदीप वर्मा जी के ही गांव में इस समय हम मौजूद हैं। कुलदीप वर्मा जी के द्वारा जो नल लगवाए गए हैं तो वो उन्होंने अपने निजी कोष से लगवाए हैं। यहाँ पर कुछ जनता भी इकट्ठी है जिसे हम मालूम करते हैं। बेटा तुम बच्चे हो, ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? योगेश। योगेश, ये बताओ ये नल किसने लगवाया था? इन्ना ये यहाँ के प्रधान है क्या? ना। प्रधान नहीं है ना। अच्छा, तो देखा यहाँ के प्रधान भी नहीं है, ना ही मेंबर है, ना ही बीडीसी। अब हम जानकारी करते हैं कुलदीप वर्मा जी, ऐसे कई नल लगवा चुके हैं? ऐसे 7 नल लगवा चुका हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जल की काफ़ी समस्या थी, इन लोगों को पानी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। अगर यूपी का हर आदमी कुलदीप वर्मा जैसा हो जाए तो कोई प्यासा नहीं रहेगा। अब हम दूसरे व्यक्ति जो हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, ये बताइए ये किसके द्वारा नल लगवाया गया? कुलदीप द्वारा लगा। कुलदीप भैया जी, अच्छा जी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम, अगर हमारा नाम पूछो बच्चों पूछ लगता हो। अच्छा, क्या नाम है उनका? रानू। अच्छा, ये नल किसने लगवाया था? लगवाओ हमारा भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है भैया का? हम उनका नाम नहीं लिए। अच्छा, तो ठीक है, वो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो नाम नहीं यहाँ पर ले सकती। मीडिया 100 के लिए शाहजहाँपुर से शुभम श्रीवास्तव।